गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन RDS ग्रुप क्लास। दिस इज़ योर इंग्लिश पीरियड, सो ओपन योर इंग्लिश बुक। योर इंग्लिश बुक इज डैफोडिल। ओके, आई होप यू आर वेरी वेल। ओके, यस्टरडे आई हैव हाउ टू राइट क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज इन नोटबुक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट बेड इन समर, चैप्टर थॉट हार्ड वर्ड्स मैंने वन साइड लिखे थे, अदर साइड आपको राइट करने के लिए दिया था, आप सभी ने राइट कर लिया है। वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज, यहाँ तक आपका नोटबुक में मैंने करवाया है, आप सभी का कंप्लीट हो गया होगा। ओके, आज मैं आपको बुक एक्सरसाइज करवाऊँगी। ओपन पेज नंबर 10, आज मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। अगर जिसका भी नहीं कम्प्लीट हुआ है तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, अगर कंप्लीट हो गया है तो एक बार मैच कर लीजिएगा, कहीं पे आपका कुछ मिसिंग तो नहीं है। ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 10। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन टुडे डेट 4 अगस्त 2021। क्लास वन, लेट्स गो इजी फर्स्ट। नंबर वन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए थे उसमें से जो राइट है वो हमें चूज़ करके टिक भी करना है और राइट भी करना है। ओके, नंबर वन, इन विंटर द पोएट गेट अप। इन विंटर द पोएट गेट अप, विंटर में पोएट सोकर उठता था। पोएट विंटर में सो के उठता था, एट नाइट रात में, आफ्टर द सनराइज सूर्य निकलने के बाद, इन द आफ्टरनून या दोपहर में। पोएट कब उठता था? एट नाइट। तो टिक द एट नाइट एंड राइट एट नाइट, ETAT NIGHT नाइट एट नाइट। ओके, नेक्स्ट, द बर्ड्स वर स्टिल हॉपिंग ऑन। बर्ड्स उछल कूद कर रही थी कहाँ पे? द पोएट्स विंडो, पोएट की विंडो पे, द ग्राउंड की ग्राउंड में, एंड द ट्री की पेड़ों पे। किस पे कर रही थी? बर्ड्स हॉपिंग उछल कूद किस पे कर रही थी? ट्री पे। टिक द दी ट्री थर्ड नंबर सी एंड राइट TH ETH ERE ट्री। ओके, नेक्स्ट, ग्रोन अप पीपल मीन्स, ग्रोन अप पीपल मीन्स यंग पीपल, वेरी ओल्ड पीपल एंड अडल्ट। टिक द एडल्ट एंड राइट द एडल्ट, ADULTS। यंग पीपल मीन्स यंग, जो यंग होते हैं पर्सन, वेरी ओल्ड पीपल जो बहुत ओल्ड होते हैं, मीन्स बूढ़े होते हैं, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, यंग पीपल मीन्स आपके पेरेंट्स। अडल्ट, अडल्ट वो होते हैं जो आप लोग तो बहुत छोटे हो, आपसे जो बड़े होते हैं, आपसे थोड़ा नहीं बहुत बड़े होते, वो होते हैं अडल्ट। तो टिक द अडल्ट एंड राइट द अडल्ट, ADULTS अडल्ट। फोर्थ एंड लास्ट, इन समर द पोएट स्लीप व्हेन। इन समर द पोएट स्लीप व्हेन, गर्मियों में पोएट कब सोता था? इट इज़ वेरी डार्क आउटसाइड, द स्काई इज क्लीन एंड ब्लू, क्लियर एंड ब्लू, वेन इट इज़ रेनिंग। जब बाहर बहुत अंधेरा होता था या जब आसमान बिल्कुल क्लियर और ब्लू कलर साफ और बिल्कुल नीले कलर के होते थे, या जब रेनिंग बारिश हो रही होती है, कब उठता था? जब आसमान बिल्कुल क्लियर और ब्लू कलर के होते। तो टेक द बी ऑप्शन, द स्काई इज़ क्लियर एंड ब्लू, THE SKY स्काई, ISIS CLEAR क्लियर, ANDE एंड BLUE ब्लू। ओके, नंबर टू, राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट ट्रू है मीन्स सही है उसमें हमें T राइट करना है, और जो स्टेटमेंट फॉल्स है मीन्स गलत है उसमें हमें F राइट करना है। नंबर वन, इन समर द पोएट फाइंड्स एवरीथिंग क्वाइट एट बैड टाइम। इन समर द पोएट फाइंड्स एवरीथिंग क्वाइट एट बैड टाइम,
गर्मियों में जब पोएट लेटने जाता था तब उसे शांतिपूर्वक मिलता था? नो, फॉल्स। उसे गली से पैरों की चलने की आवाज़ आती थी, बर्ड्स हॉपिंग करती थी, तो उसे शांतिपूर्वक एटमॉस्फेयर नहीं मिलता था। तो राइट एफ, ओके। नेक्स्ट, द पोएट ड्रेसेस बाय द कैंडल लाइट इन समर। पोएट गर्मियों में कैंडल लाइट में ड्रेसेस पहनते थे? नो, येल्लो लाइट में पहनते थे। तो राइट एफ। थर्ड, द पोएट सॉरी इन समर द पोएट स्टिल सीज बर्ड्स हॉपिंग व्हेन ही गोज टू स्लीप। इन समर द पोएट स्टिल सीज बर्ड्स हॉपिंग व्हेन ही गोज टू स्लीप। जब पोएट सोने जा रहे थे तब चिड़िया उछल कूद कर रही थी? यस, उसे बॉस शोर की आवाज़ आ रही थी, जैसे चिड़िया हॉपिंग कर रही थी और गली से चलने की आवाज़ आ रही थी। राइट टी। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11। द पोएट कैन नॉट प्ले इन समर बिकॉज ही गोज टू बेड ड्यूरिंग द डे। द पोएट कैन नॉट प्ले इन समर बिकॉज ही गोज टू बेड ड्यूरिंग द डे। जब पोएट पोएट सोने जल्दी चला जाता था इसलिए वह खेल नहीं पाता था। सही, क्योंकि पोएट क्या करता था, ऑन टाइम वो सोने चला जाता था डे में, तो इसलिए वो क्या करता था, खेल नहीं पाता था। ट्रू। ओके, नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन से बेटा आपको मैं नोटबुक में करवाऊंगी, तो डन इन नोटबुक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपको यहाँ पे लिखना है, डन इन नोटबुक। ओके, नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेंट। यहाँ पे आपको ये दिया हुआ, इससे हमें क्वेश्चंस के आंसर को राइट करना है। इन समर क्वाइट द अदर वे, आई हैव टू गो टू बेड बाय डे। इन समर क्वाइट द अदर वे, आई हैव टू गो टू बेड बाय डे। नंबर वन, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द अदर वे। What does the poet mean by the other way? The other way का mean क्या है? The poet means that in summer he goes to bed during the day. Poet का means है the other way से, कि वो क्या है, summer में दिन के time पे ही वह लेटने के लिए चला जाता था, सोने के लिए चला जाता था। The poet T-H-E-D, P-O-E-T, poet, M-E-A-N-S means T-H-A-T that, I-N-N, S-U-M-M-E-R, summer, H-E-G-O-E-S, goes, T-O-2-B-E-D, bed, D-U-R-I-N-G, during, T-H-E-D, D-A-Y, day, full stop. Okay, next, does the poet sleep at same time during summer and winter? Does the poet sleep at same time during summer and winter? क्या poet summer और winter में same time पे ही सोने के लिए चला जाता था? Yes, the poet sleeps at same time. Poet गर्मियों में और सर्दियों में same time पे ही सोने के लिए अपने bed पे चला जाता था। Yes, comma, why is yes, comma, THED, POET, poet, SLEEPS, sleeps, AT, at, SAME, same, TIME, time, full stop. Okay. Now next, page number 12. My word bank. Here are some scrambler words, unscrambler them to find the correct words. Take help of the hints given along with the letters. यहाँ पे देखिए opposite of grown up. Grown up का opposite क्या होता है, young. यहाँ पे ये young लिखा हुआ, but इसके letters क्या है, इधर उधर है, तो इन्हें हमें क्या करना है, arrange करना है, ठीक है. opposite of grown up,
Young. Y-O-U-N-G. Okay. Next, birds that don't sleep at night. Birds that don't sleep at night. जो birds रात में नहीं सोते उन्हें क्या बोलते हैं? Nocturnal. क्या बोलते हैं? Nocturnal. N-O-C-T-U-R-N-A-L. N-O-C-T-U-R-N-A-L. Nocturnal. Opposite of grown up, young. And birds that don't sleep at night, nocturnal. Okay. Next, learning grammar. Arrange the following seasons in alphabetical order. यहाँ पे देखिए seasons दिए हुए हैं, summer, monsoon, autumn, winter, spring. ठीक है, इन season को हमें क्या करना है, alphabetical order में write करना है. जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ये होते हैं alphabetical order. जैसे हम A, B, C, D लिखना start करते हैं उसी में, उसी की तरह हमें ये alphabetical के फॉर्म में हमें राइट करना है. पहले क्या आता है, ए. तो ए में देखिए कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, ऑटम. राइट, ऑटम. ए यू टी यू एम एन, ऑटम. ए यू टी यू एम एन, ऑटम. नेक्स्ट, ए के बाद बी सी डी ई एफ, ये सब से स्टार्ट होने वर्ड्स नहीं दिए. तो फिर क्या दिया हुआ है, एम. एम मॉनसून, M O N S double O N, monsoon. M O N S double O N, monsoon. Third, M N, उसके बाद क्या आएगा, S. S से अब देखिए आपके पास टू वर्ड्स दे रखे हैं, समर एंड स्प्रिंग. फर्स्ट लेटर क्या है, सेम है, S. अब फर्स्ट लेटर के बाद मुझे क्या देखना है, सेकेंड लेटर. अब सेकेंड लेटर में समर में U है एंड स्प्रिंग में P है. तो अब पहले P आता है या U? U आता है. No, P आता है. तो हम क्या लिखेंगे, स्प्रिंग. थर्ड नंबर पे S P R I N G, स्प्रिंग. ओके, अगर सेकेंड लेटर भी सेम होता है तो हम थर्ड लेटर देखते हैं कि थर्ड लेटर में फर्स्ट पहला लेटर कौन सा आता है. ओके, बट फर्स्ट लेटर ही सेम है, सेकेंड लेटर से चेंज है. तो थर्ड नंबर पे क्या आएगा, स्प्रिंग. S P R I N G, स्प्रिंग. ओके, नंबर फोर, नेक्स्ट समर. S U डबल M E R, समर. S U डबल M E R, समर. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट विंटर. W I N T E R, विंटर. W I N T E R, विंटर. फर्स्ट ऑटम, सेकेंड मानसून, थर्ड स्प्रिंग, फोर्थ समर एंड फिफ्थ एंड लास्ट विंटर. ओके, जो फर्स्ट लेटर, सॉरी फर्स्ट चैप्टर इज कम्प्लीटेड. ओके, बैड इन समर इज कम्प्लीटेड. मैं आपको आज PDF सेंड कर दूँगी, आप लोग अपना वर्क मैच कर लीजिएगा. कहीं पे आपने कुछ मिसिंग तो नहीं किया है? ओके, आपने एक्टिविटी ड्रॉ कर ली होगी और उसमें आपको प्रॉपर आपको अंडरलाइन करना है. मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, स्केच और स्केल से ही लाइन खींचनी, हैंड से लाइन मत खींचिएगा बेटा, बहुत गंदा लगता है, आप लोग भेज दो. ओके ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.